तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के कहने पे हमने साउंड कोर R50i को परचेज तो कर लिया है, पैसा भी खर्चा हो ही गया है, लेकिन सेटिस्फेक्शन कितनी मिली आइए चेक करते हैं। और यहाँ पर साथ ही में आपको नाड़ा भी मिल जाएगा, इसको आप लटका के ऐसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। हाँ दीक्षा क्या कर रही हो? तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के, आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ चुके हैं कि हमें रिव्यू करना चाहिए साउंड कोर R50i ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को। तो मैंने इसको पर्सनली अमेजोन से परचेज किया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली ये 2300 रुपये के मुझे पड़े। और इसका जो लुक एंड फील दिया गया है, जो प्रीमियमनेस है बर्ड्स की और केस की, उससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज है मुझे नहीं लगा। और साथ ही में इसमें आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिलने वाला, प्रॉपर कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। मैं आपको सारी डिटेलिंग बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे, हैवी तरीके से टेस्टिंग करेंगे, ताकि अगर आप 2000 रुपये के आसपास एक प्रीमियम सेगमेंट के ईयरबड सर्च कर रहे हैं, एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर ही लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो करते हैं शुरुआत इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको साउंड कोर बाय एंकर R50i ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का ऐसे आपको बिल्कुल बढ़िया सा बॉक्स मिल जाएगा ब्रांड की तरफ से। और बैक साइड में देख सकते हैं काफी इसके फीचर्स मेंशन किए गए हैं, हम सब डिटेलिंग में चेक करेंगे वीडियो में आगे। इसको हम करते हैं क्विकली अनबॉक्स। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलने वाला है कुछ पेपर वर्क, यहाँ पे आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाएगा, सेटअप गाइड दी गई है, स्टार्टअप गाइड, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पर आपको एक अच्छी क्वालिटी की एडिकेट लेंथ की टाइप सी की चार्जिंग केबल मिलेगी टू चार्ज योर केस, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के साथ अपने कानों के साइज के हिसाब से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। और बात करेंगे मेन प्रोडक्ट की, दिस इज द केस यू विल बी गेटिंग। यहाँ पर आपको ऐसे कॉम्पैक्ट आपको मैट फिनिश का केस मिलने वाला है, यहाँ पे आपको ऐसा अलग से स्ट्रैप मिल जाएगा, इसको कैरी करने के लिए आप चाहे तो पोर्टेबल तरीके से कहीं भी कैरी कर सकते हैं, लटका सकते हैं, इसको डिटैच भी कर सकते हैं, यहाँ से निकालने का ऑप्शन दिया गया है। और फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक बैटरी इंडिकेटर लाइट, और बैक साइड में आपको यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। ऐसा कोई बटन प्रोवाइड नहीं किया गया है केस में, और जो बिल्ड क्वालिटी है यहाँ पे आपको सही मिलने वाली, बिल्कुल लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और कॉम्पैक्ट केस है वैसे, इसको कहीं भी कैरी करते हैं पॉकेट में, बैग में, आराम से पोर्टेबल तरीके से कैरी कर सकते हैं। और केस को आप ओपन करेंगे, दोनों ही बड्स यहाँ पे पैक्ड है, लेफ्ट राइट भी क्लियरली मेंशन किया गया है। और इसमें आपको मिलने वाला है प्रॉपर मैग्नेट्स, ईयरबड्स गिरते नहीं है केस के अंदर से, और जो लॉक दिया गया काफी आपको प्रॉमिसिंग लॉक मिल जाएगा, बिल्कुल ऑटोमेटिक ये बंद नहीं होता है, इसको आपको ऐसे मैन्युअली बंद करना पड़ेगा। काफी आपको बढ़िया बिल्ड मिलने वाली है यहाँ पे। और बड्स आपको मिलने वाला है स्टैम शेप के, यहाँ पर जो साउंड कोर का लोगो है दोनों में लगा हुआ मिल जाएगा, मैट फिनिश का और ग्लॉसीनेस का कॉम्बिनेशन है। जो प्रीमियमनेस है बर्ड्स की, जो लुक एंड फील दिया गया है स्टैम शेप के ईयरबड्स की, इसके प्रीमियमनेस है लुक एंड फील से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं लगा यहाँ पे। अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे फिटिंग भी आपको काफी परफेक्ट मिलने वाली है, प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे कानों को बढ़िया तरीके से पैक करते हो, आप बोल सकते हैं 90% तक बाहर की नॉइस कैंसिल हो जाएगी, मैक्सिमम बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल कर देंगे, अच्छी आपको पैकिंग प्रोवाइड करते हैं, उसको लेकर बिल्कुल दिक्कत नहीं लगी। और आप चाहते हैं हैवी एक्टिविटीज करना, मैंने काफी कोशिश की हुई है, प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे कानों से बिल्कुल नहीं गिरते, बढ़िया आपको सिक्योर फिट मिल जाएगा। आप लॉन्ग आवर्स के लिए यूटिलाइज करते हैं, एक्टिविटीज करना चाहते हैं हैवी, उस पर्पज किसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी इसमें आपको मिलने वाला है एप्लीकेशन का सपोर्ट, इसमें आपको साउंड कोर कनेक्ट एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में आपको अपनी डिटेल्स जाके लॉगिन करना पड़ेगा, फिर जैसे आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं R50i का ऑप्शन दिखा देगा। तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, मल्टीपल आपको फीचर्स मिलने वाले, जो बैटरी यहां पे आपको लेफ्ट और राइट ईयरबड्स की दिखा रहा है कितनी बची हुई है, इसमें आपको मिलने वाला है बहुत सारे मल्टीपल, यहां पे आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे, 22 अलग अलग प्रीसेट्स दिए गए आउटपुट को लेकर। आपको साउंड कोर का सिग्नेचर म्यूजिक चाहिए, बेस अप में जाना है, अकॉस्टिक म्यूजिक चाहिए, बेस रिड्यूसर चाहिए, तो देख सकते हैं मल्टीपल आपको इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले, आपको ट्रेबल बूस्टर चाहिए, आपको वोकल्स पे क्लैरिटी डालनी है, बेस पे क्लैरिटी डालनी है, आपको ट्रेबल्स कैसे चाहिए सेट करके प्रॉपर आप आउटपुट ले पाएंगे इस एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू। साथ ही में जो टच कंट्रोल्स दिए गए लेफ्ट और राइट ईयरबड के टच कंट्रोल्स, उसे एक्जैक्टली क्या हो, सिंगल टैप, डबल टैप, टच एंड होल्ड से क्या हो, अब यहाँ पे फुल टच कंट्रोल्स दिए गए, आप सेट कर सकते हैं कि सिंगल टैप से वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो, या प्ले पॉज हो, या ट्रैक्स चेंज हो, या वॉइस एसिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो, प्रॉपर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से टच कंट्रोल्स को लेके। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन, लेफ्ट और राइट ईयरबड में यहाँ पे आप जैसे प्ले करेंगे तो बीप बीप करके आवाज़ सुनाई देगी, बाई चांस कभी घूम जाते हैं इधर उधर घर में तो आप अच्छी खासी आवाज़ सुनाई देती है, इसको आप यूटिलाइज करके बड्स ढूंढ सकते हैं, फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे आपको। और जो गेमिंग मोड दिया गया उसमें आप ऑन ऑफ कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। और यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा मॉडल नेम, यहाँ पे टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। जो टच टोन है आपको यहाँ पे टच में, जो टच कंट्रोल यूज आपको टोन चाहिए, जैसे पीप पीप करके आवाज़ आएगी उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, अगर आपको टोन नहीं चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं, आपको टच में टोन चाहिए तो उसको ऑन कर सकते हैं। तो ये जो आपको कस्टमाइजेशन मिलने वाली है, मेरी जो आउटपुट है जो टच कंट्रोल, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट से, ये एक प्लस पॉइंट है। इसके फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 10 mm डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, AI environmental noise cancellation feature for better calling experience, gaming mode मिल जाएगा, sound core application का support दिया गया है, 8 से 10 घंटे का play time मिलेगा on a single charge, और लगभग आप 2 से 3 बार fully charge कर सकते हैं buds को using the charging case।
फास्ट चार्जिंग का भी इसमें आपको सपोर्ट मिलने वाला है। फीचर्स मुझे काफी तक बोल सकते हैं आप डिसेंट मिले, बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स भी नहीं कम है, लेकिन आप बोल सकते हैं आपको डिसेंट अच्छे आपको फीचर्स मिल जाएंगे प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बात करेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस की, हालांकि गेमिंग मोड ऑन करने का ऑप्शन है लेकिन कितनी लेटेंसी है वो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आप गेमिंग टेस्ट देख लीजिए आपको अंदाजा लग जाएगा। गेमिंग आपको काफ़ी परफेक्ट मिलने वाली है, मेनली आप अगर SBC मोड में ऑन करके गेमिंग मोड ऑन करके गेमिंग करेंगे आपको लेटेंसी ज़्यादा फील नहीं होगी। मुझे लगा अप्रॉक्सीमेटली 40 मिली सेकंड के आसपास मुझे लेटेंसी लगी जब भी मैं गोली चला था, उसी टाइम मेरी आवाज़ कानों में आ रही थी। और स्टीरियो सेपरेशन आपको बढ़िया मिलने वाला है, एनिमीज लेफ्ट से आ रही है राइट से आ रही है, इसको आप डेफिनेटली अच्छी गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। गेमिंग पार्ट को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, जो गेमिंग मोड दिया गया बिल्कुल जस्टिफाई करता है। बात करेंगे अब हम मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। 10 MB डायनेमिक ड्राइवर्स हैं, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट है, जो एप्लीकेशन है उसको आप यूज़ करके बढ़िया तरीके से आउटपुट ले सकते हैं। आपको वोकल्स पे क्लैरिटी डालनी है, ट्रेबल्स आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, बेस आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, एप्लीकेशन में जो इसके प्रीसेट्स दिए गए सही तरीके से वर्क करते हैं, आप हार्डकोर म्यूजिक लवर अपने हिसाब से आउटपुट बिल्कुल सेट करके प्रॉपर कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। ना वोकल्स से मुझे दिक्कत नहीं लगी, ट्रेबल्स भी आपको सही मिलने वाला है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी आप सेट करके बढ़िया तरीके से क्लैरिटी ले पाएंगे, और बेस भी इसमें आपको मिलने वाला है प्रॉपर पंचनेस थंपीनेस आप बोल सकते हैं, धमधम वाली आपको फीलिंग मिल जाएगी। अच्छा आपको बढ़िया बेस इफेक्ट्स मिलने वाला है, म्यूजिक और बेस से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब हार्डकोर म्यूजिक लवर है 2000 रुपए के आसपास एक ईयरबड सर्च कर रहे हैं, इसको डेफिनेटली बढ़िया म्यूजिक बढ़िया बेस के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है 22 प्रीसेट्स दिए गए हैं, सही तरीके से वर्क करते हैं। इसमें आपको AI इनेबल्ड नॉइस कैंसिलेशन फीचर दिया गया है, लेकिन आप देख लीजिए हमारा DRS दीक्षा रिव्यू सिस्टम आउटर कंडीशन का। हेलो, हां दीक्षा क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट चल रहा था। ब्रेकफास्ट चल रहा है, फ्री हो के बारे में बात करूं? हाँ हाँ करो। ओके सर, यहाँ पे अभी मेरे पास ना साउंडकोर ब्रांड की तरफ से साउंडकोर R50i एक ईयरबड्स मैंने परचेज किए हैं। हाँ। तो उसका मैं अभी कॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ, रोड साइड कंडीशन में खड़ा हूँ ऑफिस के बाहर, तो मेरी आवाज़ तो मैं कैसे आ रही है के थ्रू बातचीत कर रहा हूँ डायरेक्टली? आवाज़ तो अच्छे से समझ में आ रही है, आवाज़ में वोकल्स में क्लैरिटी भी है, लेकिन मुझे बैकग्राउंड की एक्टिविटी भी अच्छी खासी कैच हो रही है अभी, जैसे कुछ म्यूजिक की आवाज़ भी आई थी स्टार्टिंग में तो पता चल रहा है मुझे। अच्छा, गाड़ियाँ जा रही थी, इनकी आवाज़ें बैकग्राउंड में आपको पता चल रही है? हाँ हाँ। ओके, तो मेरी आवाज़ से तुम कितना परसेंटेज तुम फोकस हो सकती हो एक तरीके से आउटडोर कंडीशन के हिसाब से? 75% 75% फोकस मेरी आवाज़ से। हाँ ठीक है दीक्षा, थैंक यू। हाँ भाई, कॉलिंग देख के आपको एक अंदाजा लग गया होगा इसका आपको कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है। कॉलिंग इसमें ना आपको इंडोर कंडीशन में तो सही मिल जाएगी, लेकिन आउटडोर कंडीशन में साफ साफ एक्टिविटीज कैच कर लेगा बैकग्राउंड की काफी हद तक। आउटडोर कंडीशन में आपको डिसेंट कॉलिंग मिलने वाली, इंडोर कंडीशन में आपको सही कॉलिंग मिल जाएगी। बात करेंगे आप रेटिंग्स की, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस को हम करेंगे रेटिंग्स आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 9 out of 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 9 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 7 out of 10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9 out of 10। दिस आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स अप्रॉक्सिमेटली 2200 रुपीज के आसपास। अगर देखा जाए 2200 रुपए के हिसाब से ना मुझे एक डिसेंट पैकेज लगा, मतलब अच्छा पैकेज लगा, नहीं बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं आप बोल सकते खराब। इसमें आपको म्यूजिक बेस बढ़िया मिल जाएगा, गेमिंग बढ़िया मिल जाएगी, एप्लीकेशन सही तरीके से वर्क करती है, कॉलिंग में कोई यहाँ पे डिसेंट लगी, लेकिन 2200 रुपए प्राइस पॉइंट है तो यार 2200-2300 रुपए ना आपको रियलमी बड्स एयर 3S मिल जाते हैं, वन प्लस नॉट बड्स 2R मिल जाता है, तो उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मतलब अगर इसका प्राइसिंग 1800-2000 रुपए के आसपास रहता तो मेरे हिसाब से जस्टिफाई करता। मैंने आपको तब भी सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, अब आप पे डिसीजन मैटर करता है यहाँ पे मनी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। मेनली आप हार्डकोर म्यूजिक और बेस लवर हैं और गेमिंग करते हैं, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, कॉलिंग यहाँ पे आपको डिसेंट मिलने वाली है। मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज रेटिंग्स कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च साउंडकोर R50i ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.